गाइस कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो पे हम जिस वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं उससे मैं टू द पॉइंट बताऊंगा मुझे क्या अच्छी लगी क्या नहीं लगी, थोड़ी सी प्लॉट की बातें हैं और हम चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ। तुमने चैनल को अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का तबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा। बात करूं इस वेब सीरीज की प्लॉट की तो प्लॉट में काफी मतलब मिक्सचर किया गया है, मतलब इसमें ड्रग्स भी चल रही है जो मुख्य है। ड्रग्स से कहने का मतलब वो है जो उसकी स्टेज होती है ट्रायल्स की, उसे बताया गया पहले एनिमल्स फिर ह्यूमंस फिर उसके बीच में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब ट्रायल्स के बीच में कि इसे मिस अप्रूवल या कुछ और बताया जाए इसके रूप में। उसके बाद में इसमें लव की जो होती है वो एंगल भी चलती रहती है और जो कॉलेज है कॉलेज के अंदर में बॉडीज के साथ क्या किया जाता है वो भी चलती है और पॉलिटिशियंस की भी प्रेशर जो है उनके बीच में वो भी बताया गया है। इसी के साथ ये प्लॉट जाते रहती है और जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो मुख्य प्लॉट है ड्रग्स की जिसके साथ में काफी अच्छा खेला जा सकता था उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटकती हुई लगती है क्योंकि एंगल वो पूरी उस ड्रग्स पे फोकस कर ही नहीं पाती कि किसी और प्लॉट को उसमें डालने की पुट मतलब जबरदस्ती कुछ और करने की कोशिश ऐसी लगने लगती है। अब बात करूं मैं इसकी कास्ट की परफॉर्मेंस की तो कास्ट की परफॉर्मेंस सभी की काफी बेहतरीन है, मतलब कि कास्ट की ही एक्टिंग की वजह से आप कुछ ना कुछ देखना चाहेंगे। बाकी इस वेब सीरीज में आप लोगों को बैठाने के लिए कुछ भी नहीं है, काफी लेंदी है। कहने की सबसे इसके अगर ड्रॉप पॉइंट मैं कहूंगा तो लेंथ, 10 एपिसोड बनाए गए हैं और इतनी 44 मिनट की ईच एपिसोड है, इतना लंबा मैं देखने के लिए कोई भी बैठ नहीं सकता है यार, कोई भी बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी ग्रिप है ही नहीं। और सबसे ड्रॉप पॉइंट इस वेब सीरीज की कि आप कोई भी वेब सीरीज उठा लीजिए उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट ये कम से कम ग्रिपिंग होती है कि हमें आगे देखने की मन मतलब चाह होती है, पर इस वेब सीरीज में कहीं भी ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेकेंड जो एपिसोड है वही काफी ढीली है, मतलब कि प्रोड्यूस करते करते हर कैरेक्टर को बताते बताते काफी लंबी लगती है, खिंची हुई लगती है और बोरियत फील होती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अगर आप इस वेब सीरीज को अगर देखने का मन बनाए होंगे तो हाँ आप देख सकते हैं, मगर हाँ बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देखिएगा क्योंकि इसमें न्यूडिटी भी काफी दिखाई गई, रोमांस के साथ साथ में एक जगह टॉपलेस सीन भी है और बेड सीन भी है, इसलिए आप मतलब कि फैमिली और बच्चों के साथ मत देखिएगा इस वेब सीरीज को। अगर बात करूं इसमें मुझे क्या पसंद है तो सबसे अच्छी मुझे इसमें पसंद है कास्ट की परफॉर्मेंस, कास्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है। प्लॉट जो मेन प्लॉट अगर उसे रखा जाता ड्रग्स के तो ये काफी अच्छी हो सकती थी और मतलब कि उसी पे अगर फोकस करती तो शायद वेब सीरीज काफी। बाकी आप लोग इस वेब सीरीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं और आगे मेरे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।